नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के सबसे बड़े आरोपी रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच 9 जून को हुई थी कुछ ऐसे कोर्ट बातें जो कि अब सीबीआई के हाथ लग चुका है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकलकर सीबीआई की तरफ से आ रही है और सीबीआई का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के खत्म होने से पहले यानी कि 9 जून को ही महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच कुछ ऐसे बात हुआ था जिससे साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने की बात हुआ था। और इस मामले की जांच जैसे ही सीबीआई ने किया, सीबीआई के हाथ ये बड़ा मैसेज लगा जिसको रिकॉर्ड करके सीबीआई वालों ने ये बड़ा सबूत, बड़ा एविडेंस सामने लाया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी कुछ हुआ था उसमें सिर्फ रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट ही नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों का नाम भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वही आपको बता दूं कि सीबीआई ने फिर से रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को रिमांड पर लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है और बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ही वो सारा सच बताएगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के पीछे किन लोगों का हाथ था और 9 जून को जो बात हुआ था उसमें महेश भट्ट के साथ क्या सब बातें हुई थी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के इस केस को सीबीआई काफी गहमी से चेक कर रहा है और बताया जा रहा है सीबीआई के द्वारा कि अब सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही जल्द न्याय मिल सकता है क्योंकि जिस तरह से ये डिकोड वाला एक मैसेज सामने आया, इस मैसेज के जरिए अब उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है जो सुशांत सिंह राजपूत के इस केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, देखने वाली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के इन कातिलों से कब पूछताछ होती है और रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच 9 जून को क्या सब बातें हुई थी। सारा खुलासा जैसे ही होगा मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पे जरूर दूंगा। धन्यवाद।